निज मानव घोर सुधारि बरनौ रघुबर बिमल जसु। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन महाकाल कॉरिडोर, विंध्याचल धाम कॉरिडोर के तर्ज पर अब प्रयागराज में भी बड़े हनुमान मंदिर का जो कॉरिडोर है वो जल्द ही बनेगा। प्रयागराज की जनता को एक बड़ा सौगात जो है वो देने की तैयारी की जा रही है। हम इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं और यहाँ पर इस पूरे प्रस्ताव पर जो है लगातार काम करना शुरू कर दिया गया है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण और सेना के संयुक्त सर्वे के बाद रक्षा संपदा विभाग की ओर से रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय को भेज दी गई है। दुनिया चले ना श्री राम के बिना। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह ही यहाँ भी कॉरिडोर बन जाएगा, बहुत अच्छा होगा। हम बहुत आपकी कृपा होगी अगर यहाँ ऐसे हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। अभी आप लोग दर्शन करने आते हैं काशी विश्वनाथ की तरह, यहाँ पे भी जो कॉरिडोर बनेगा तो कितना अच्छा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, हम लोगों की बहुत श्रद्धा है कि ऐसा हो। जैसे काशी और अयोध्या मथुरा को सजाया है वैसे इसे भी सजाएं, ये हम लोग की मनोकामना है। हमसे था हनुमान जी से, वो हमारा पूरा प्राइवेट में हम माता जी का दिखाए, इनका बोले इनका ऑपरेशन होगा। बाई जी यहाँ पे कॉरिडोर अगर बन जाएगा तो अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। श्री प्रभु राम की कृपा होगी तो सब जगह चलेगा, जहाँ की सनातनी धर्म हमारा हर जगह। जय श्री राम। जल्द ही ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो पूरा कॉरिडोर का जो प्रस्ताव है उस पर जल्दी जो है फैसला लिया जाएगा और ये 2025 के जो कुंभ से पहले हो सकता है कि इसका कार्य जो है वो शुरू कर दिया जाए। एरिया में इसको जो है पूरा बनाया जाए कॉरिडोर को और इसके लिए बकायदा चिन्हीकरण की कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। तो कुछ सवाल भी हैं जो आपको बताते हैं। कॉरिडोर धाम बनाएगा क्या चुनावी काम, ये सबसे पहला सवाल, क्योंकि लगातार कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। अलग अलग जगह जितने भी धाम हैं उनका निर्माण, उनके कॉरिडोर का निर्माण जो है वो किया जा रहा है, तो क्या कॉरिडोर चुनाव में काम बनाएंगे? इसके अलावा कॉरिडोर की सौगात चुनावी बिसात है क्या? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अलग कैसे निपटेगा विपक्ष, क्योंकि विपक्ष इसको लेकर लगातार सवाल खड़े भी करता है और विपक्ष का कहना है कि इसके जरिए वोट बटोरने की कोशिश जो है वो यहां पर बीजेपी की सरकार करती है और इसीलिए ये काम किए जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी का अपना दावा है, वो लगातार विकास चाहती है और धार्मिक स्थलों का खासकर विकास जो है वो चाहती है और इसीलिए लगातार अलग अलग जगह, अयोध्या की बात की जाए, विंध्याचल की बात की जाए, मथुरा की अब बात की जाए और इसके अलावा प्रयागराज की भी हम बात कर रहे हैं, तो लगातार यही काम हो रहा है कि धार्मिक स्थल पर निर्माण जो है वो कराया जा रहा है कि ताकि जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचे उनको किसी भी तरीके की दिक्कत जो है वो यहां पर ना हो। तो धार्मिक कॉरिडोर से विकास की डोर, ये तमाम चीजें हैं जो कि इस वक्त बनी हुई हैं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अलग कैसे निपटेगा विपक्ष, ये तमाम सवाल हम आपको बता रहे हैं जो कि इस वक्त बने हुए हैं। और उस वक्त हमारे साथ खास पैनल चर्चा के लिए जुड़ा हुआ है, उनका सीधे रुख कर लेते हैं। समीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के, बहुत स्वागत आपका सर। अशोक यादव जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, बहुत स्वागत आपका भी सर। इसके साथ ही केशव मेहरा हमारे साथ हैं, संघ विचारक, बहुत स्वागत सर आपका भी। और H.S. रावत साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्म गुरु, बहुत स्वागत आपका भी। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत हम समीर सिंह जी के साथ कर लेते हैं। समीर जी, लगातार निर्माण किया जा रहा है, कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं और जाहिर तौर पर उसका असर भी देखने को मिल रहा है, इकोनॉमिकली बूस्ट भी आ रहा है, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, लेकिन विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि ये आप लोगों का एक एजेंडा है जिसके तहत आप वोट बटोरने की कोशिश करते हैं। देखिए शिल्पा जी, मेरा यह स्पष्ट कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में था सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मजबूत करना, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ाना, उस पर यह सरकार काम कर रही है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जब से योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने हैं 2017 से और 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, तो पिछले 2 सालों में थोड़ी कठिनाई हुई,
15-16-17 में जब तक हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं बनी, जब अखिलेश यादव की सरकार थी, तो वो निरंतर इन कामों में बाधा डाल रहे थे। लेकिन 2017 से लेके निरंतर आप देखेंगी तो सबसे पहले काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, उसके बाद आपने देखा होगा अयोध्या में भव्य राम के मंदिर के रास्ते को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में रास्ता प्रशस्त हुआ और उसका शिलान्यास हुआ और अयोध्या आज किस प्रकार से एक आदर्श नगरी के रूप में विकसित हो रही है। और उसके पहले प्रयाग का कुंभ भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से 2020 में जिस भव्यता और दिव्यता के साथ लोग आए, पूरी दुनिया के लोग आए, वो हमारे लिए अनुकरणीय रहा। और आज फिर प्रयाग के अंदर ही बड़े हनुमान जी का मंदिर है, उसके कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है, हम मथुरा को विकसित कर रहे हैं। यानी कि लगातार बीजेपी जिस चीज को अपने मैनिफेस्टो में लेकर आई थी उसके हिसाब से निरंतर आगे बढ़ रही है। और मथुरा में भी कॉरिडोर बनाने, बिल्कुल हमने देखा मथुरा में भी अब इसका पूरा कार्यक्रम जो है वो प्रस्तावित है और मथुरा में भी अब तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी। और प्रधानमंत्री पहुंचे भी थे मथुरा। हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हम SH रावत साहब का भी रुख कर लेते हैं, हिंदू धर्म गुरु। रावत साहब, आखिर दिक्कत कहाँ हो जाती है, क्योंकि देश में अगर धार्मिक स्थलों का विकास किया जा रहा है, कोई भी पार्टी भले वो करे, और लोगों की आस्था है, क्योंकि जाहिर तौर पर हिंदू राष्ट्र में लोगों की आस्था है यहाँ पर, और लोग जो है सनातन धर्म के वो मानते हैं, और अगर वो विकसित हो रही है जगह तो फिर पर्यटन भी बढ़ रहा है, इकोनॉमिकली भी ग्रो हो रहा है, तो फिर सवाल क्यों खड़े हो जाते हैं? देखिए शिल्पा जी, सीधी सीधी बात है कि इनको टेंशन होती है सवाल खड़े करने वाले लोगों को। उनको ये लग रहा है कि ये जितना सनातन धर्म का विकास करेंगे, सांस्कृतिक चीजों का विकास करेंगे, हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसका विकास करेंगे, तो इनकी वोट बैंक कटेगी। इनको ये लग रहा है कि जो थोड़ा बहुत भी अगर हिंदू वोट बैंक इन पार्टियों के साथ जुड़ा हुआ था, वो टूट करके पूरा की पूरा भारतीय जनता पार्टी के साथ आएगा और आ चुका है। क्योंकि देश आजादी के बाद से आज तक जो हिंदू मेजोरिटी में थे उनको कहीं ना कहीं तीसरे नंबर पर जाकर के नागरिकता के तौर पर उनको देखा जा रहा था, उनकी किसी बात को नहीं सुना जाता था, मंदिरों की बात को नहीं सुना जाता था, उनकी कहीं पर भी इतनी अवहेलना की गई थी कि आदमी त्रस्त हो गया था, परेशान हो गया था, उसको हिंदू कहने में डर लगता था। आज जो विकास हो रहा है, इस विकास का आगामी भविष्य के अंदर बहुत महत्व होने वाला है। पूरे विश्व के अंदर, विश्व में जितने भी NRI है या दूसरे लोग हैं, जहां जहां सनातन का जैसे ही कहीं ना कहीं डंग का बजेगा और जैसे बज रहा है, वो लोग यहां पर दर्शन करने के लिए आएंगे, और जब दर्शन करने के लिए आएंगे तो निश्चित तौर पर रेवेन्यू बढ़ेगा। वहां पर जो भी लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे दुकानदार होते हैं, ट्रैवल वाले होते हैं, टैक्सी वाले होते हैं, एयरपोर्ट पर होते हैं, सब जो जितने भी लोग हैं उन सबका कहने के व्यापार तो बढ़ेगा। जैसे उज्जैन के अंदर बहुत बढ़ गया, जैसे काशी विश्वनाथ के अंदर बहुत बढ़ गया, अयोध्या के अंदर बहुत बढ़ गया, आप देखें केदारनाथ बद्रीनाथ के अंदर किस तरीके से लोग लाखों की तादाद में जाने लगे, तो ये सब कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर देश की प्रोग्रेस और उन्नति का एक हिस्सा है। इनको विचलित नहीं होना चाहिए, इनको सपोर्ट करना चाहिए। आप लोग भी सीखें कि किस प्रकार से देश का विकास किया जा सकता है। ठीक, सपोर्ट करना चाहिए। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। अशोक यादव साहब के पास हम चलते हैं। अशोक जी, चूंकि जब एक देश में कुछ काम होता है तो जाहिर है सर वो देश विकास की ओर बढ़ता है, और जो ये फैसला लिया गया है प्रयागराज में कि कॉरिडोर एक बनाया जाएगा, सर सबसे पहले तो उस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी, उसको लेकर समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है, समाजवादी पार्टी उसको लेकर क्या सोच रही है, फिर हम आगे बात करेंगे। देखिए मैडम, आपको याद होगा 90 का दशक जब इस देश में मंडल कमीशन के माध्यम से पिछड़ों दलितों को अपने जो हजारों साल की गुलामी की जंजीरों से जब उनको शिक्षा से वंचित किया गया, जब उनको तमाम रोजगार से वंचित किया गया, जब उनको जानवरों जैसा जीवन जीने के लिए विवश किया गया, इस चीज को मोहन भागवत जी ने भी कहा है, उस समय जब मंडल कमीशन उनके उद्धार का रास्ता खोल रहा था, उनको विकास मुख्य धारा में ला रहा था, उसी समय आडवाणी जी के नेतृत्व में कमंडल यात्रा निकाली जाती है और देश के नैरेटिव को, ताकि पिछड़े दलित को उनके नौकरियों से वंचित रखा जाए, उनको हर तरह से उनके शिक्षा से वंचित रखा जाए, इसलिए उन्होंने कमंडल की यात्रा निकाली। और क्या किया उन्होंने, बीपी सिंह की सरकार गिरा दी, मंडल कमीशन का विरोध किया था इसी भारतीय जनता पार्टी में। कमोबेश आज भी वही दौर है जब बिहार इस देश का अगुआ राज्य बना है,
जब उसने जाति जनगणना करा करके जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात कर रहा है, जब समाजवादी पार्टी पीडीए की बात कर रही है, जब पिछड़े दलित अपने हक और हकूक की बात कर रहे हैं, तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की जो मनवादी मानसिकता के लोग हैं, इस तरह का धर्म और छद्म राष्ट्रवाद का एक नैरेटिव इस देश में चला रहे हैं। तो सर, यानी कि आपको बेहतर नहीं लग रहा है ये जो प्लान बीजेपी की तरफ से किया गया है, ये बेहतर नहीं लग रहा है? कम से कम समाजवादी पार्टी इसके पक्ष में नहीं है शायद? फिर देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा से इसी बात को मांग करती आ रही है कि इस देश और प्रदेश की दशा और दिशा बदलने के लिए जो पीडीए के लोग हैं, जो पिछड़े दलित के लोग हैं, अल्पसंख्यक के लोग हैं, उनको उनका अधिकार दिलाया जाए, उनको उनकी नौकरियों में भागीदारी दिया जाए। बिल्कुल अशोक जी, लेकिन जो आपके साथ पिछड़े लोग आते हैं गठबंधन में, वो तो खुद कह जाते हैं ना ये बात कि समाजवादी पार्टी में पिछड़ों की नहीं सुनी जाती है, जो पिछड़ा तबका है, हम ये सोचकर गठबंधन करने आए थे कि पिछड़ों के लिए समाजवादी पार्टी कुछ करेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी पिछड़ों के लिए कुछ करती नहीं है, तो आपको गठबंधन छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए। देखिए, आप जिस पिछड़े की बात कर रही हैं, उनको देसी भाषा में पियरका चाचा कहते हैं लोग, तो वो कब पिछड़े बन जाते हैं, कब अगड़े बन जाते हैं, कब क्या बन जाते हैं, हाँ। वो तो बरसाती मेढक है, हाँ। उनकी बात का कोई वैल्यू आज उत्तर प्रदेश की जनता नहीं लेती है, क्योंकि अभी जब हमारे साथ थे तो 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में जो पिछड़ों का आरक्षण छीना गया, जो दलितों का आरक्षण छीना गया, उसके खिलाफ आवाज उठाते थे, लेकिन जाति जनगणना की बात करते थे, बांदा और गोरखपुर विश्वविद्यालय में खास जात के प्रोफेसरों की नियुक्तियों के विरोध में अपनी आवाज उठाते थे, लेकिन आज वही पिछड़े नेता जिसकी आप बात कर रही हैं, वो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। अब वो सारे मुद्दे भूल गए हो। ठीक, तो कहीं ना कहीं, बस 10 सेकंड और मैं लूंगा, माँ गंगा आज भी अपने बदहाली पर आंसू बहा रही है, लेकिन उनके तथाकथित भक्त हजारों करोड़ की जहाजों में ऐशो आराम कर रहे हैं। ये लोग धर्म के नाम पर भी सिर्फ राजनीति करते हैं, क्योंकि इनके धर्म धर्म का जो होता है छद्म आवरण ओढ़े हुए हैं लोग। अगर सच्चे भक्त रहते तो ये धर्म के नाम पे लोगों को बरगलाने काम नहीं करते, लोगों को लड़ाने काम नहीं करते। ये भगवान राम की बात करते हैं, भगवान राम ने हमेशा जोड़ने का बात किया, हमेशा त्याग और बलिदान की बात की है, हमेशा उन्होंने अपने पिता के वचनों को रखने के लिए 14 वर्ष का वनवास चुना है, लेकिन ये लोग ऐसे लोग हैं जो सत्ता के लिए देश के शहीदों की डेड बॉडी का फोटो लगा के वोट मांगते हैं। तो आदर्शों की बात इनसे मत करिए, सिर्फ धर्म के नाम पे दिखावा करके समाज में उन्माद फैलाने की बात ये लोग करते हैं। ठीक, यानी कि धर्म के नाम पर दिखावा बीजेपी कर रही है। ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके पास। केशव मेरा